भले ही प्रदेश में सत्ता परिवर्तन को हुए 4 महीने से ज्यादा समय हो गया है और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता काबिज हुई है, लेकिन अभी भी प्रदेश के डिपो के बाहर खाद्य आपूर्ति एवं परिवहन मंत्री जीएस बाली का नाम ही चल रहा है। यही नहीं, डिपो के बाहर खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली का बाकायदा मोबाइल नंबर भी अंकित किया हुआ है, जिस कारण पिछले 4 महीनों से शिकायत करने के लिए भी उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आ रही हैं। हालांकि प्रदेश भर के डिपो के बाहर इस तरह बीजेपी सरकार होने के बावजूद खाद्य आपूर्ति मंत्री जीएस बाली का नाम लिखा होना हैरानी की बात है, क्योंकि नई सरकार को भी 4 महीने का समय बीत चुका है और वर्तमान में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर को बनाया गया है। इस तरह खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा की जा रही अनदेखी से लोग भी हैरान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिपो के बाहर आज भी पुराने मंत्री बाली का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिस कारण उपभोक्ताओं को शिकायत करवाने के लिए दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग को चाहिए कि नए मंत्री का नाम और मोबाइल नंबर लिखवाएं, ताकि जनता भी भ्रमित ना हो। वहीं इस बाबत खाद्य आपूर्ति विभाग अधिकारी नरेंद्र धीमान के समक्ष बात की गई तो वह ये पल्ला झाड़ते हुए नजर आए कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और कैमरे के सामने अपना बयान देने से भी बचते नजर आए। गौरतलब है कि इस तरह अभी भी प्रदेश के डिपो के बाहर पिछली सरकार के मंत्री का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कांगड़ा जिले के पालमपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित शून्य बजट प्राकृतिक खेती के तहत प्राकृतिक खेती खुशहाल